नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज आपके सामने ये पौधा है, ये देखिए। कुछ लोग तो इसमें से पहचानते होंगे, जो नहीं पहचानते उनको मैं इसकी पहचान बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है, ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ एक, और बहुत सारे लोगों ने इसको फॉलो किया है। लगभग 1 मिलियन जो पब्लिक है इसको देख चुकी है और इसका इस्तेमाल कर रही है। बहुत सारे लोगों को इसको फायदा मिला है। और इसको इसका क्या फायदा मिला है, ये है शुगर का रामबाण इलाज, मतलब शुगर के लिए अमृत, शुगर वालों के लिए अमृत समान पौधा है ये। इस पौधे का नाम है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, इंसुलिन। इंसुलिन प्लांट ये है, देसी इंसुलिन जो होता है जिसमें पूरी तरह से शुगर को खत्म करने की क्षमता होती है, वो पौधा है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक हाइब्रिड में होता है, बहुत ऊंचा जाता है और इतने चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट, ये इफेक्ट नहीं मिल पाता बड़े पत्तों में। ये देसी है और इसका इफेक्ट जो है बहुत बढ़िया रहता है। तो बहुत सारे लोगों का ये हमारे पास सवाल आया था कि इसको आखिर लगाएं कैसे, कैसी मिट्टी दें कि ये पौधा जो है फुल ग्रोथ पे आ जाए। तो मैं आज जो है इसके बेनिफिट भी दोबारा से बताऊंगा कि बेनिफिट क्या है, कैसे लेना है और कैसे शुगर से मुक्ति पा जाएंगे। बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगा शुगर आपका मात्र 6 महीने के डोज में। 1 महीने में तो आप बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, और 6 महीने लेने पे जड़ से खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो पैनक्रियाज है वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा और इंसुलिन बनाना शुरू कर देगा और हम फिट रहेंगे। तो ये पौधा जो है इंसुलिन का, ये देखिए कि ये मात्र 8 इंची के गमले में लगा है दोस्तों। 8 इंची के गमले में देखिए, यकीन नहीं होगा आपको कि इसमें जो है ना 20 पौधे निकल आए हैं और पूरा भरा हुआ है मात्र 8 इंची के गमले में। तो आखिर इतना हेल्दी क्यों है, क्योंकि लोगों का इस तरह से होता नहीं है। देखिए इसके अंदर 20 स्टेम निकले हुए हैं और इतना पत्ता है कि आराम से 5-10 आदमियों को जो शुगर की बीमारी है वो डेली इसका कंज्यूम कर सकते हैं एक ही गमले में। तो आज हम इसको लगाने वाले हैं 10 इंची के गमले में। गमला देखिए, 10 इंची के गमले में लगाएंगे तो इससे दुगना जो है ग्रोथ करेगा। लेकिन दोस्तों क्या है कि गलती हम कुछ कर जाते हैं, कहीं मिट्टी में, कहीं खाद में और कहीं पानी में। तो वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसी मिट्टी लेनी है और कैसा जो है इसका खाद डालना चाहिए, कितना पानी डालना चाहिए। इससे पहले दोबारा एक बार रिव्यू कर देता हूँ कि ये जो इंसुलिन प्लांट है क्या करता है और शुगर कैसे हमारे शरीर में होता है। शुगर जो मेनली है हमारे शरीर में, मतलब मीठा खाने से ही नहीं, अपना गेहूं की रोटी खाने से, चावल खाने से, इन सब से भी शुगर बढ़ता है, क्योंकि इनके अंदर भी स्टार्च होता है और स्टार्च जो है शुगर में कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में जा करके। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए इंसुलिन, हमारा जो पेनक्रियाज है वो इंसुलिन नामक एक लिक्विड सिक्रेट करता है जो इनको सबको डाइजेस्ट करके हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं, इकट्ठा नहीं होने देते हैं। लेकिन जब इंसुलिन हमारा बॉडी बनाना बंद कर देता है, पेनक्रियाज बनाना बंद कर देता है किसी भी टॉक्सिसिटी के कारण या किसी भी कमी के कारण हमारी बॉडी में, तब ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। और पहले तो ये था कि 40 साल के बाद जा करके ये काम होता था, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ मेरी जो नॉलेज में आए हैं, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं, 4 साल से लेकर के और 70 साल 80 साल तक के लोग सभी इसकी रेंज में आ गए। 4 साल की बच्ची ने क्या खा लिया ऐसा कि उसको भी ये प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि हमारा जो खान पीन है उसके अंदर पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर का बेतहाशा जो इस्तेमाल हो रहा है, और हम पैक्ड फूड खाते हैं उसमें जो काफ़ी सारी प्रिजर्वेटिव डाली जाती हैं, जो उसकी वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन होता है और ये चीज़ें बंद हो जाती हैं, इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। तो पेनक्रियास को हमें दोबारा एक्टिव करने के लिए जो एलोपैथी दवाई है वो तो हमें ऊपर से इंसुलिन देते रहते हैं, और जब तक आप दवाई लेते रहेंगे फिट रहेंगे, लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। लॉन्ग रन में आप दवाई लेंगे तो किडनी पे और आइस पे सभी के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये दवाई ऐसी है, इसको कुछ नहीं करना आपने, ये देखिए 2 पत्ता, 1 और ये 2 पत्ता सुबह सवेरे धोना है खाली पेट और इसको चबा के खा जाना है आपने। आप देखेंगे 1 महीना यानी कि 30 दिन लेंगे, 30 दिन में आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, और इसको 6 महीने तक लेते रहेंगे कंटिन्यू, तो ये आपका शुगर जो है बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा कहने का मतलब, और इंसुलिन बनना आपके शरीर में शुरू हो जाएगा। तो ये दवाई है जो इसको हम इंसुलिन का नाम देते हैं, मधुनाशिनी भी इसका हिंदी नाम रखा गया है। तो इसको लगाने का तरीका जानते हैं ताकि जल्दी से जल्दी आपके घर में पनपे, आप भी फिट रहें अगर आप शुगर के मरीज हैं तो, और नहीं हैं तो कम से कम आस पड़ोस में या रिश्तेदार मित्रों में जो भी कोई जानने वाला है
उनको भी ये जरूर बताएं ताकि वो भी आपके साथ साथ फिट रह सके। तो ये देखिए, ये पौधा है, इसको हमने 8 इंची के गमले में लगाया है। और अब जो है ये देखिए, थैली में एक हमने पौधा लगाया था जिसका 3 ब्रांच निकल गया है मेन ख़त्म होकर के। अब हम इसको लगाएंगे इस 10 इंची के गमले में। अब ध्यान से देखिएगा कि मिट्टी कैसी है, क्या खाद हम इस्तेमाल में लेते हैं और कैसे लगाएंगे, कितना पानी डालेंगे। तो दोस्तों, हमें लेना है ये गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल जो है आपका बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। और आपने ये पौधा देखा है, बिल्कुल अदरक सरीखा पौधा है ये, तो जितना हल्का रहेगा उतनी जल्दी इसकी ग्रोथ होगी। तो ये हमें गार्डन सॉइल हल्का लेना है। अगर नहीं हल्का हो तो आप उसमें इस राइस हस्क को मिला सकते हैं, बहुत मिट्टी जो है हार्ड हो तो ये डाल लें। और दूसरा, अगर मिट्टी हल्की है तो फिर डालने की जरूरत नहीं है, कुछ सैंड भी मिलाया जा सकता है। इसके बाद हम डालते हैं हर पौधे की जान, चाहे बच्चे बूढ़े और जवान, सभी के लिए कैल्शियम जरूरी है। इसी तरह से प्लांट कोई भी हो, चाहे लीफी हो या फिर स्टेम वाला हो या हर्ब्स हो या सब्स हो, सभी के अंदर ये कैल्शियम पाउडर की आवश्यकता होती है उसकी स्ट्रेंथ के लिए, उसकी ताकत के लिए। तो ये हम देखिए, एक गमले के अंदर 3 मुट्ठी ये हमने कैल्शियम पाउडर डाल दिया। अब अगला ताकत के लिए क्या है, लोग गोबर खाद डाल देते हैं। गोबर खाद में इतना न्यूट्रिशन होता नहीं है। और कभी भी कच्चा गोबर खाद मत डालिए। कच्चा गोबर खाद का मतलब है कि जब तक वो पूरी तरह से जो उसके अंदर मैटर है वो डिकम्पोज ना हो जाए, क्योंकि मीथेन गैस निकलेगा तो पौधे को बढ़ने नहीं देगा। लोग कहते हैं गर्मी कर गया, गर्मी नहीं करता, वो मीथेन गैस जो है उसकी जड़ों को ख़त्म कर देता है, पौधा पीला पड़ता है और मर जाता है। तो ये देखिए, हम उसकी जगह पर हम डाल रहे हैं, ये लीप कम्पोज है हमारा। लीप कम्पोज पूरी तरह से वेल डिकम्पोज बैक्टीरिया कल्चर में बना हुआ है, अलग अलग पत्तों से, जिसमें 90% न्यूट्रिशन प्लांट को मिल जाता है। तो एक गमले की मिट्टी में हमने 3 मुट्ठी ये डाल दिया। अब इसको हम मिक्सिंग कर देंगे अच्छे से, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा एक्टिव करना है, जैसे आपने पौधा देखा है तो आप ये देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक कार्बन है, सॉइल एक्टिवेटर है, और इसके अंदर बैक्टीरिया है जो उसके अंदर जा करके और खाद को पूरा एक्टिवेट कर देता है और हमारा पौधा जो है उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाता है। तो ईजिली एब्जॉर्ब करने के लिए हमें कार्बन 1 मुट्ठी जरूर डालना चाहिए, जो कि मैं इसमें लीफ कंपोस्ट में मैं मिला चुका हूँ। तो ये हमने इसको देखिए मिला लिया। और हमें क्या करना है कि ये गमला लेना है। ये गमला ऐसा होता है कि इसमें कई सुराख होते हैं, तो इन गमले के उसके ऊपर सुराख को करने के लिए टिपरी, ये देखिए ये टिपरी जो है इसके ऊपर हम रख देंगे। और टिपरी रखने के बाद जो हमने मिट्टी बनाई है, ये देखिए, इसको हम इसमें डाल देंगे ऐसे। ये हमने डाल लिया। और इसके बाद इस थैली को रख के देखेंगे कि ज़्यादा नीचे जा रहा है, ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ज़्यादा ऊपर आ गया ये, तो इसको थोड़ा सा मिट्टी हम कम कर लेंगे। मिट्टी हमने कम कर लिया, अब फिर माप के देखते हैं, ऑलमोस्ट ठीक आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस थैली को निकाल देंगे। जैसे भी आप लोगों के पास प्लांट जा रहा है तो उसको ध्यान से देखिए। अब ये देखिए, इसके इतनी सी जगह में रूट बॉन्ड होने शुरू हो गए थे, जब जगह मिलेगा तो ये कितना अच्छा ग्रोथ करेगा। तो ये देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, अब डालते टाइम 1 मुट्ठी हमारा लीफ कंपोस्ट नीचे डाल देंगे, क्योंकि जो जड़ें हैं इनको भी खाने को चाहिए। तो ये हमने ऐसे डाल दिया। अब हम इस मिट्टी को, तैयार मिट्टी को, इसको सेंटर में करके और चारों साइड से हम मिट्टी डालेंगे। देखिए, जो हमारी तैयार मिट्टी है हमने ये डाल दी इसके अंदर। अब हमने फिर क्या करना है, 1 मुट्ठी फिर लीफ कंपोस्ट को लेकर के इसके चारों साइड में डाल देना है, जो कि इसकी ग्रोथ को एकदम से बूस्ट अप करेगा और हमारा ये पौधा जो है ज़बरदस्त ग्रोथ पे आ जाएगा। और जो हमारा पर्पस है इसको लगाने का, वो पर्पस सॉल्व हो, क्योंकि 2 पत्ता डेली खाना है तो उस हिसाब से इसकी ग्रोथ होगी, तभी आप खा पाएंगे। और किसी को भी, कोई चाहे अपार्टमेंट में रहता है या कहीं रहता है, इतना सा गमला रखने की तो ज़रूर जगह होती है। तो इस दवाई के पौधे को आप अपार्टमेंट में रहते हैं या ज़मीन पर रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो आप इस पौधे को आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि एक 10 इंची का गमला या 2 गमला लगा लेना और आपका जीवन रक्षक दवाई जो है आपके घर में ही मिल जाए, तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। दोस्तों, अब रही पानी की बात, तो पानी हम पहली बार लगाते हैं तो लगभग 10 इंची के गमले में 1/2 से 1.25 लीटर पानी हम डालेंगे, इसकी जड़ें जो है एक बार बस गिल्ली हो जाए। ये देखिए, तो 1/2 लीटर पानी हमने डाल दिया। अब वेल ड्रेन सॉइल की बात हम कर रहे थे, तो आप देखेंगे विद इन अ मिनट ये पानी मिट्टी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा,
खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा जो सॉइल है वो वेल ड्रेन है। वेल ड्रेन सॉइल रहेगा तो ये आपका जो प्लांट है वो दिन दोनी रात चौगुनी ग्रोथ करेगा और आपकी बीमारी को आपके घर से, आपके शरीर से, आपके जीवन से निकाल फेंकेगा। तो देखिए एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है, आधे मिनट हुए हैं लगभग और ये एब्जॉर्प्शन इसकी हो रही है। अभी मिनट पूरा होते होते ही ये पानी आपको दिखाई नहीं देने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ और इन सब चीज़ों के लिए जो मैंने इसमें मिलाया है प्लांट के लिए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप पे पूछिए। प्लीज़ कॉल ना करें तो अच्छा है, कॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है, बात हो नहीं पाती है। दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों का भला हो सके, हमारा इतना ही कहना है। और रही प्लांट की बात तो आप अपने आसपास के 2-4-5 नर्सरी में जाएंगे, वहाँ मिल जाएगा मधुनाशिनी या इंसुलिन प्लांट के नाम से। ये देखिए सॉयल ने पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लिया और इतना डालना है कि नीचे से पानी नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो जो हमने न्यूट्रिशन डाला है वो न्यूट्रिशन सारा ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हैं अपने घर में लगा करके, अपने आप को स्वस्थ रखिए, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों।